Hello students, yesterday we completed exercise 2.2 of chapter polynomials. Now before starting the next exercise, let us try revise the long division of polynomials. In the ninth mein kiya hai long division, to main ek baar ek do examples ke saath pehle is pure method ko main aapko revise karaungi, uske baad hum iske main exercise shuru karenge. 2.3 exercise totally long division pe based hai, isliye long division में कई स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं, तो मैं पहले उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल, डिवाइडिंग 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. हमने 2x² 3x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल x प्लस 2 के साथ डिवाइड करना है. इसमें मैं रफ वर्क साथ साथ करते जाएंगे. सबसे पहले ये डिविडेंड है जो डिवीजन की ब्रैकेट के अंदर है, और हियर इज द डिवाइजर. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहां पे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म लेके आने के लिए हमने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेनी है, दैट इज 2x² और उधर डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दैट इज x. वैसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x. दैट मीन जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी क्वेश्चन की टर्म बनेगी. सो हियर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन इज 2x. अब ये जो डिवाइड करके टर्म बनी है 2x, इसको हमने क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर है x प्लस 2 उसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई. तो वो हमारे यहां पर जो भी टर्म्स आनी है वो हम लिख देंगे. तो यहां पे 2x को x से किया, 2x किया प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4x. तो हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई, हमने इन्हें डिविडेंड के नीचे लिखना है. अब ये कि सेम पावर वाली टर्म, मतलब जो पावर को देख के हमने देखना है और हमारा जो वेरिएबल है वेरिएबल को देख के सेम वेरिएबल वाली टर्म एक दूसरे के नीचे आएगी. तो यहां पे हमारे पास है 2x किया, तो ये 2x² के नीचे आ गया प्लस 4x, और हमारे पास 4x वाली टर्म है 3x, उसके नीचे 4x आ गया. अब इनको सबट्रैक्ट करना है, और पॉलिनोमियल्स की सबट्रैक्शन में क्या रूल होता है कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं. अभी तक ये पॉजिटिव टर्म है तो इसका साइन चेंज करके बन गया नेगेटिव, और इसका साइन हम चेंज कर देंगे इट विल बी अगेन नेगेटिव. नाउ 2x² माइनस 2x² फिनिश, ये जीरो हो गया. यहां पे है पॉजिटिव 3 माइनस 4, तो दैट मीन्स 4 और 3 माइनस हो क्या हो गया माइनस 1 एक्स प्लस 1. अब अगेन अब हमारे पास डिविडेंड बना, जब हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया, अब उसकी फर्स्ट टर्म माइनस 1 एक्स, अगेन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, सेम स्टेप्स हम दोबारा फॉलो करेंगे. अब हमने इसे डिवाइड करना है, तो इट मीन्स कि इस वक्त हमारे पास ये डिविडेंड है, तो माइनस 1 एक्स को एक्स के साथ कर दिया हमने डिवाइड, एक्स एंड एक्स कैंसिल, वी लेफ्ट विद माइनस 1. तो दैट मीन्स हमारी जो नेक्स्ट टर्म है हमारे क्वेश्चन की वो बनेगी माइनस 1. अब माइनस 1 के साथ जैसे हमने पहले जो भी हमारा कटिंग करके आंसर बना था हमने उसको मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर के साथ, अब सेम चीज यहां पे करनी है. जो हमारे पास कटिंग करके नंबर बचा माइनस 1, उसे हम डिवाइजर एक्स प्लस 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई. तो अब हमारे पास हो गया माइनस 1x माइनस 2. तो ये टर्म्स हम नोट कर लेंगे. नाउ फॉर सब्ट्रैक्टिंग हमने साइन चेंज करनी है, दिस विल बिकम इक्वल टू 1 पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव. तो माइनस 1x प्लस 1x हमारे पास हो गया 0 कैंसिल, 1 प्लस 2 दैट इज 3. तो यहां पे हमारी डिवीजन खत्म है, ठीक है? अब यहां पे ये हमारे पास रिमाइंडर है, जब रिमाइंडर की डिग्री, जो भी रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं अगर उसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी हो तो वहां पे हमारी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी. तो यहां पे ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन आया, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. हमने डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर के साथ. यहाँ पे मैंने डिवाइजर को अरेंज करके लिखा है क्योंकि हमारे पास पावर्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए,
तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर वाली टर्म मैंने आगे ले ली, देन सिंगल एक्स वाली टर्म ली, देन विदाउट एक्स। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हो तो जो पावर्स डिविडेंड या डिवाइजर की हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले ग्रेटर पावर वाली टर्म, देन उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर। सो अब यहाँ पे हम 3x³ प्लस 2x प्लस 5 को x² प्लस 2x प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। सी अब वही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। अभी हमारे पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 3x² और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है 3x³ है। तो हमने क्या करना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म 3x³ को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 3x³ को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x² के साथ डिवाइड कर देना है। अब ऑब्वियसली एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 2 है, तो इसमें से 2x तो कैंसिल हो गए, एक्स रह गया, तो हमारे पास टर्म बची 3x। तो हमारे पास क्वेश्चन की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि जो क्वेश्चन की टर्म बनी है 3x उसे हमने डिवाइजर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। तो डिवाइजर हमारे पास है x² प्लस 2x प्लस 1, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x³, देन 6x² देन 3x को 1 से किया 3x। अब तीनों टर्म्स को हम डिविडेंड के नीचे ले आएंगे, तो फर्स्ट टर्म है 3x³, तो क्यूब वाली टर्म के नीचे आएगा ये, प्लस नेक्स्ट 6x² स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, और 3x x वाली टर्म के नीचे। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज, दिस विल चेंज इनटू माइनस, दिस विल आल्सो चेंज इनटू माइनस, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5x क्या, 2 माइनस 3 माइनस 1x प्लस 5। अब हमारे पास जो बाकी रिमाइंडर बचा वो माइनस 5x² माइनस 1x प्लस 5। अब हमने इस रिमाइंडर को डिवाइड करना है या x² प्लस 2x प्लस 1 के साथ, तो वही चीज, फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस 5x² और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x² डिवाइड करके हमारे पास क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म आ गई और वो है यहाँ पे माइनस 5। तो अब हमने क्या करना है, माइनस 5 के साथ अपने पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देना है। सो माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये आ गया माइनस 5x² माइनस 5 को 2x से किया माइनस 10x, माइनस 5 को 1 से किया माइनस 5। तो अब लाइक टर्म्स को हमने लिख लिया है सेम पावर वाली टर्म्स के नीचे, तो यहाँ पे आ गया माइनस 5x² माइनस 10x माइनस 5। तो अगेन चेंजिंग द साइन, माइनस 5x² प्लस 5x² कैंसिल, माइनस 1x प्लस 10x लेफ्ट 9x प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 10। अब हमारे पास ये रिमाइंडर है, अब देखो इसमें हमारे पास डिग्री क्या है 1 और इसमें x की डिग्री, हमारे पास जो इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, तो ग्रेटर डिग्री वाली टर्म से स्मॉलर डिग्री वाली को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो दिस वैल्यू इज योर क्वोशंट एंड दिस वैल्यू इज योर रिमाइंडर। सो दिस इज द लॉन्ग डिविजन मेथड। हर बार आपने बस यही करना है, जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके हमने क्वेश्चन फाइंड कर लेना है, और वो जो जो भी टर्म डिवाइड करके आती है उसे हमेशा डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके आगे सब्ट्रैक्शन करके सेम प्रोसीजर हमने हर एक स्टेप में फॉलो करना होता है। जिसे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म ऊपर लिखनी है, और जिसे जिसके साथ डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म नीचे लिख के हमने कैंसिलिंग करके अपने क्वेश्चन की टर्म निकालनी है। सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो इन ऑल लॉन्ग डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ we will start now exercise 2.3. okay, first question is divide the polynomial px by the polynomial gx, find the quotient and remainder in each of the following cases. तीनों questions में first polynomial को px naming दी गई है और second को gx। हर एक केस में px को हमने gx के साथ डिवाइड करना है, first polynomial को second के साथ डिवाइड करना है, और उसके बाद after division हमने अपने answer में quotient और remainder दोनों बताने हैं। तो let us start the first question. Here is px is x³ minus 3x² plus 5x minus 3 and gx is x² minus 2. हमने px को gx के साथ डिवाइड करना है। लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। अब इसमें सबसे पहले वही चीज, हमने यहां पे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म देखनी कौन सी बनेगी, उसके लिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देख लेते हैं। x³ ओवर x²
तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, कैंसिल, दो हो जाएंगे, एक बचेगा. सो हियर लेफ्ट ओनली x. तो अब x को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने डिवाइजर के साथ. तो डिवाइजर की दो टर्म्स हैं, एक्स स्केयर माइनस टू. तो अब मल्टीप्लीकेशन, x बाय एक्स स्केयर, एक्स क्यूब, देन x बाय माइनस टू, माइनस टू एक्स. नाउ वी विल टेक द टर्म्स. नाउ फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो ऑब्वियसली पावर थ्री वाली टर्म के नीचे ही आएगी एक्स क्यूब. नेक्स्ट टर्म है माइनस टू एक्स, तो हमारे पास क्वेश्चन पे नेक्स्ट टर्म है स्केयर वाली, तो इसके नीचे तो ये टर्म आएगी नहीं, क्योंकि हमें सेम वेरिएबल वाली टर्म ही देखनी है. तो ये वाली 2x वाली जो टर्म है वो आएगी 5x के नीचे, माइनस 2x. नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन, साइंस विल चेंज, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल. नेक्स्ट है माइनस 3x स्क्वायर, इसके नीचे कोई टर्म नहीं थी, एज इट इज इसे हम नीचे ले आएंगे. 5 प्लस 2 हो गया 7x माइनस 3. नो, अब नेक्स्ट डिविडेंड हमारा बन गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. अब इससे हमने दोबारा x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो वही चीज हम फॉलो करेंगे. टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई करना वो फाइंड करने के लिए, फर्स्ट टर्म माइनस 3x स्क्वायर, उधर डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर विल कैंसिल एक्स स्क्वायर, वी लेफ्ट विद माइनस 3. सो नेक्स्ट टर्म ऑफ योर क्वेश्चन इज माइनस 3. अब माइनस 3 के साथ हमने अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देना है. सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 3 के साथ किया माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 और माइनस 2 को किया प्लस 6. तो यहाँ पे भी हम सेम टर्म्स अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑब्जर्व करके लिख लेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है स्केयर वाली, तो स्केयर वाली टर्म के नीचे आएगी माइनस 3x स्क्वायर, और सेकंड टर्म बनी है कांस्टेंट विदाउट एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है माइनस 3, तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस 6. नाउ चेंजिंग द साइन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट, माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, 7x एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 9. अब अगेन यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री वाली टर्म डिवाइड नहीं हो सकती. तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन बना एक्स माइनस 3, और जो रिमाइंडर आया दैट इज इक्वल टू 7x माइनस 9. दिस इज योर आंसर. ओके, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स. तो इससे पहले मैंने अरेंज कर लिया, टू पावर के पास सिंगल पावर वाली टर्म आनी चाहिए, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर लिया. अब यहाँ पे पी एक्स में जो हमारा पॉलिनोमियल डिविडेंड है उसमें भी एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि 4 के बाद डायरेक्ट 2 पावर है, 3 पावर वाली टर्म नहीं है. तो इन केस ऐसे क्वेश्चंस में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो हमने अपने पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म देते हुए अगर हमने यहाँ पे 3 पावर वाली टर्म कोई इसमें ऐड करनी है, तो उसके लिए हम उसका कोफिशिएंट 0 लेके 0 एक्स पावर 3 ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम पावर 2 वाली टर्म ले लेते हैं माइनस 3x के प्लस 4x प्लस 5. अब यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म इसलिए बनाई कि हो सकता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े ड्यूरिंग द सॉल्यूशन, बट इन केस अगर कोई एक्स क्यूब वाली टर्म बन जाती है तो हम उसे सॉल्व करके अपनी टर्म बना लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने रख के ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं एक्स पार 4, और उधर हमारे पास है एक्स पार 2. तो अब हमने एक्स पार 4 को एक्स पार 2 से किया, तो ऑब्वियसली 4 में से 2x कैंसिल, तो वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइजर को कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ यह आ गया एक्स पार 4 माइनस एक्स पार 3 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स पार 4 माइनस एक्स क्यूब. अब गिवन में हमारे पास टर्म नहीं थी, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक क्यूब वाली टर्म बन गई प्लस एक्स स्क्वायर. इनके कोफिशिएंट्स हम 1 ले लेते हैं. अब सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज द साइंस, विल कैंसिल, यह आ गया 1 प्लस 0 1 एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और ऊपर से हम एक टर्म ले लेते हैं 4x. अब सेम डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, ऑब्वियसली हमारे पास एक एक्स रह जाएगा, सो प्लस एक्स विल कम है. अब एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइजर के साथ, वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. वो टर्म्स हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चेंजिंग द साइन, माइनस
प्लस प्लस, पर माइनस फोर प्लस वन हो गया माइनस थ्री एक्स के, फोर प्लस वन फाइव एक्स, और हमारे पास जो लास्ट टर्म है ऊपर से हम फाइव ले लेते हैं। अगेन डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, माइनस थ्री एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स के, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की लास्ट टर्म बनी माइनस थ्री। अब माइनस थ्री को डिवाइजर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सो यू विल गेट माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री। तो अब टर्म्स हम ले लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, चेंजिंग द साइंस कैंसिल, फाइव माइनस थ्री इज टू एक्स, फाइव प्लस थ्री इज एट। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर आया हमारे पास टू एक्स प्लस एट, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड जी एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं तो मैं जी एक्स को ही जनरल फॉर्म में ले रही हूँ, तो यहाँ पे पहले x वाली टर्म पहले आएगी, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और टू इसके अगर कोई साइन दैट मीन इट इज पॉजिटिव टर्म, तो हमारा डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास फोर के बाद डायरेक्ट वन पावर वाली टर्म है, ना तो थ्री पावर वाली टर्म है ना टू वाली, तो वो टर्म्स मैं खुद से बना रही हूँ। एक्स पावर फोर क्यूब वाली टर्म हो गई जीरो एक्स क्यूब, और स्क्वायर वाली टर्म हो गई जीरो एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट मेरे पास टर्म्स दी हुई है जैसे माइनस फाइव एक्स और सिक्स, वो साथ में ले लेंगे माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। एक्स पावर फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स के माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसे अब हमने डिवाइड करना है माइनस एक्स के प्लस टू के साथ। स्टेप्स वही हमने रफ वर्क में करने हैं, अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लिया, एक्स पावर फोर को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, अब नेगेटिव साइन साथ में लेके चलेंगे तभी हमारे पास जो क्वेश्चन की टर्म का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन वो डिसाइड होगा। अब यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स पावर फोर, तो कैंसिल करके बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, तो फर्स्ट टर्म ऑफ माई क्वेश्चन इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को हमने डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ कर लेना मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स पावर फोर माइनस एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स के। हमारे पास दो टर्म्स बनी, एक पावर फोर वाली और एक पावर टू वाली, दैट मीन्स एक एक्स फोर के नीचे आ जाएगी और एक जीरो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगी, हमें क्यूब वाली टर्म की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अब हम टर्म्स लिख लेते हैं माइनस, सॉरी यहाँ पे आ गया एक्स पावर फोर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास माइनस टू एक्स के, माइनस टू एक्स के, चेंजिंग द साइंस इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ी, वो ना ही इस क्यूब वाली कोई टर्म बनी, दैट मीन्स फर्दर भी इसकी हमें जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टू प्लस जीरो दैट इज टू एक्स के माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब सेम डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो आगे डिवाइडेड टू एक्स के, और जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म माइनस एक्स के, एक्स के एक्स विल कैंसिल, नेगेटिव विद गो विद नेगेटिव साइन विल गो विद टू, सो हियर कम्स माइनस टू, तो नेक्स्ट टर्म हमारे क्वेश्चन की बनी माइनस टू। तो वही चीज अब माइनस टू के साथ हमने अपने डिवाइजर को कर देना है मल्टीप्लाई, वी गेट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू माइनस फोर, यहाँ पे आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, चेंज द साइंस फॉर सब्ट्रैक्शन, इट विल कैंसल, हियर लेफ्ट माइनस फाइव एक्स, सिक्स प्लस फोर हियर कम्स टेन। और फर्दर इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, रीजन वही है क्योंकि डिवाइजर की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो टू है और रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर वन है, तो दैट मींस ग्रेटर डिग्री वाली टर्म एक्सप्रेशन के साथ स्मॉलेस्ट डिग्री वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। क्वेश्चन नंबर टू इज चेक वेदर the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. अब इस केस में हमें तीनों पार्ट्स में दो दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमने हर पार्ट में चेक करना है कि ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकेंड का फैक्टर है
या नहीं। कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है? जब वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चेक करना है कि क्या 3 जो है वो 27 का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, 27 के साथ को 3 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब 27 को 3 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। अगर इसने इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया दैट मीन्स के रिमाइंडर 0 हो गया, तो 327 का क्या है, फैक्टर है। अब सेम चीज़ यहीं पे हम यहाँ पे हमने देखनी है कि हमें जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है, डिवाइड करके डिसाइड करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करके, जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा दैट मीन्स वो फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कोई और पॉलिनोमियल बन गया या कुछ भी नंबर रह गया, तो दैट मीन्स वो फैक्टर नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हियर फर्स्ट पॉलिनोमियल टी स्केयर माइनस 3 और सेकेंड पॉलिनोमियल 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इसमें हमने चेक करना है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो इसे हमने इसी के साथ डिवाइड करके चेक करना है। तो अगर हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 आएगा देन वी विल से इट इज अ फैक्टर। तो लॉन्ग डिविजन ही करेंगे हम सेम। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म है 2t⁴ और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है टी स्केयर। तो हम यहाँ पे रफली करके देख लेते हैं 2t⁴ को टी स्केयर से डिवाइड। यहाँ पे 4 टाइम टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम, तो जब हम कैंसिल कर देंगे सिर्फ टी स्केयर रहेगा, 2t² हेयर लेफ्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन की है वो है 2t². अब इस 2t² को हमने अपने डिवाइजर t² माइनस 3 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। तो जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनी 2t⁴, यहाँ पे 6t², तो यहाँ पे आ गया 2t⁴, इसके नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म स्केयर वाली है तो वो माइनस 2t² के नीचे आएगी, माइनस 6t². नाउ फॉर सब्ट्रैक्टिंग चेंज द साइंस हियर। अब 3t³ के नीचे कोई टर्म नहीं, इसे एज इट इज नीचे ले लेते हैं। 6 माइनस 2 4t² माइनस 90 माइनस 12, सारी टर्म्स नीचे ले ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है डिविडेंड की वो है 3t³, तो यहाँ पे अब 3t³ को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म t² से डिवाइड कर दिया, तो t² और t³ को डिवाइड किया यहाँ पे रह गया t। तो हमारे पास क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म बनी 3t प्लस 3t। अब 3t को मल्टीप्लाई हमने करना है अपने डिवाइजर के साथ t² माइनस 3 के साथ। हियर बिकम्स 3t³ माइनस 90। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्यूब वाली है वो 3t³ के नीचे आ गई और सेकंड टर्म है टी वाली जिस तो वो 90, तो इसके लाइक टर्म है 90, तो यहाँ पे 90 के नीचे से हम लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है चेंज द साइंस, 3t³ माइनस 3t³ कैंसिल, माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल, दोनों 0 हो गए। अब हमारे पास जो टर्म्स बची 4t² माइनस 12। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 4t² फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म t² डिवाइड किया, t² विल कैंसिल t² हियर लेफ्ट 4, तो दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म आनी है 4। अब 4 को मल्टीप्लाई किया t² माइनस 3 के साथ, तो हमारे पास आ गया 4t² माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4t² माइनस 12। चेंज द साइंस, साइन चेंज करके 40 माइनस 4t², ये भी 0 हो गया, 12 माइनस 12 ये भी 0 हो गया, सो हेयर रिमाइंडर कम 0। अब हमारे पास वही चीज़ होगी, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि t² माइनस 3 ने हमारे गिवन पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। जिस केस में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है पॉलिनोमियल, तो उस केस में जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो सेकेंड का क्या हो गया, फैक्टर। देयरफोर t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो इसमें हमने यही फैक्टर से चेक करने थे। सिमिलरली अब लॉन्ग डिवीजन के हम कम से कम 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो इस सेकेंड क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ट्राई दीज पार्ट बाय योर सेल्फ। If any problem is there, you can ask me in comments. Okay, students, one more thing. According to your examination point of view, आपके book की इस exercise की example number 8 is important. Here, what is the question? Divide
this polynomial by another polynomial and verify the division algorithm. इसमें हमने पहले तो डिवाइड करना है जैसे हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, वही सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है और इसके बाद हमने डिवीजन एल्गोरिथम की वेरिफिकेशन भी करनी है. तो पहले हम इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करके समझा देती हूँ. मतलब पहले मेरे पास जो टर्म्स हैं डिवाइड 3x² माइनस दैट मीन्स जिसे डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड फॉर मी. सो हियर डिविडेंड इज 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5. और इसे हम अगर अरेंज करके लिखते हैं तो क्योंकि यहां पे पहले 2 पावर वाली टर्म है फिर 3 पावर वाली टर्म है तो हमने इसे जनरल फॉर्म में लिखना है. पहले क्यूब वाली टर्म आएगी माइनस x³ देन 3x² पॉजिटिव है उसके बाद बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी. और इस तरह डिवाइजर मेरे पास एक्स माइनस 1 माइनस x² एक्स माइनस 1 माइनस x² इसे भी अरेंज करके लिख लेते हैं. माइनस x² पहले आएगा उसके बाद x वाली टर्म पॉजिटिव है प्लस x देन माइनस 1. अब सेम हमने लॉन्ग डिवीजन शुरू करनी है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस x³ डिविडेंड की और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म माइनस x² यहाँ पे माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे. x³ में से x² कैंसिल किया तो x रह जाएगा हमारे पास. तो फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वेश्चन इज x. अब x के साथ हमने अपने डिवाइजर को माइनस x² प्लस x माइनस 1 को करना है मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनी माइनस x³ सेकेंड प्लस x² माइनस x. अब टर्म्स को लिख लेते हैं हम माइनस x³ प्लस x² माइनस x. नो चेंज द साइन बट वी विल गेट 3x² माइनस x² हो गया 2x² माइनस 3 प्लस 1 हो गया माइनस 2x प्लस 5. अब सेम चीज 2x² और यहाँ पे x² हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 2x² को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं. ये नेगेटिव 2 के साथ आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन की टर्म बनी माइनस 2. अब माइनस 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइजर के साथ. माइनस 2 इंटू माइनस x² आ गया 2x² माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 तो हमारे पास आ गया 2x² माइनस 2x प्लस 2. फॉर सब्ट्रैक्शन चेंज द साइंस 2x माइनस 2x दिस विल आल्सो कैंसिल 5 माइनस 2 इज 3. तो दैट मीन्स मेरे पास कोशेंट बना x माइनस 2 और रिमाइंडर बन गया 3. अब हमने वेरिफिकेशन करने के लिए अपना डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है जो ऑलरेडी हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. मतलब डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर को सॉल्व करके अगर हमारे पास सेम डिविडेंड आंसर में आ जाता है दैट मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम विल बी वेरीफाइड. तो अब मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं. डिवाइजर मेरे पास था माइनस x² प्लस x माइनस 1 मैंने यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू फिल कर दी. उसके बाद कोशेंट वो हमारे पास आया था x माइनस 2 तो कोशेंट लिख दिया और प्लस रिमाइंडर दैट वाज 3. तो अब हमने x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस 2 को इसके साथ करना है. तो मैंने पहले x को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अब माइनस 2 को माइनस x² प्लस x माइनस 1 के साथ और बाद में जो भी आंसर है उसमें 3 है. तो अब इसमें हमारे पास x इंटू माइनस x² माइनस x³ x इंटू x x² माइनस x इस तरह माइनस 2 के साथ किया प्लस 2x² माइनस 2 को x के साथ किया माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3. अब क्यूब वाली एक ही टर्म है हमारे पास माइनस x³ स्केयर वाली एक तो ये वाली टर्म रही और एक ये x² प्लस 2x² बन गया 3x² उसके बाद माइनस x माइनस 2x बन गया माइनस 3x 2 प्लस 3 दैट इज 5. अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड दिया गया था वो क्या था माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 और हमारे पास सॉल्व करके माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 मतलब सेम डिविडेंड आ गया विच इज इक्वल टू डिविडेंड. तो दैट मीन्स कि जब हमने डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दिया वी अगेन गेट हमारे पास दोबारा हमारा डिविडेंड आ गया. सो हैंस डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड. सो हैंस वेरीफाइड. सो स्टूडेंट्स दिस इज योर टुडेज़ लेक्चर. इसमें आपको दो सेकेंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने एज प्रैक्टिस दिए हैं तो वो आपने ट्राई करने हैं. इन केस कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है देन यू कैन आस्क मी. ओके एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.